चार बीटा कुआं दी वह भी उन्होंने बचाऊंगा। आप जी ने देखे मुख्यमंत्री अफसर से तो गाज पई है पर मंत्री भी गजदा फिरदा दमक जे मारदा फिरदा नौकर कौन है हत करो सारी साड़ी नौकरशाही है पर सवाल की है नौकरशाही साड़ी राखी रही लोटू सरकार मुर्दाबाद पंजाब दे नलायक राजे दा धर्म सोत मंत्री मुर्दाबाद कैप्टन सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार हाय 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 बेनती करदा कैप्टन दा साधु कैप्टन का साधु जिहड़ा चोर वो खा गया उहदा पिट स्यापा कर तुसीं बैठे हो मेरा तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवाद करदा। इसे तरह शराब माफिया का जो शराब माफिया जिन्नियां भी जिहड़ियां पंजाब विच जिहड़ियां फैक्टरियां ने शराब दीआं सारिआं दे विचों रात नूं एक ट्रक जिहड़ा हैगा शराब का वो लीगल निकलदा एक ट्रक जिहड़ा हैगा पंजाब का उत्थों कानूनी तौर पर निकलता उहदे नाल 100 ट्रक जिहड़े हैगे ने वो गैर कानूनी निकलते हैं ता ही रात में जी शराब आंडा शहरों के जी बेची जाती है पूरे हरियाणे की पूरी पंजाब पुलिस खड़ी आ मैनू लगता शायद ये रात को सौ जाते हैं ज ड्यूटियां नहीं करते पूरे हरियाणे की शराब जी आे नवांशहर भी बिकती है वो अमृतसर भी बिकती है वो संगरूर भी बिकती है वो फिरोजपुर भी बिकती है वो समझ नहीं आती उरे किमें आती है तो सारा एक बहुत बड़ा गठजोड़ आ जिन्हों कौन चला रहा और जिन्हों पंजाब का मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह चला रहा साधु धर्म सोत दा पिट स्यापा करो पिट स्यापा करो धर्म सोत हाय हाय कैप्टन सरकार मुर्दाबाद कैप्टन दा साधु मुर्दाबाद कैप्टन दा साधु चोर है कैप्टन दा साधु चोर है पंजाब दे विच कल तक मुहिम शुरू की आ कि कैप्टन का जिहड़ा साधु आ चोर आ उहने पंजाब नूं लुट लिया पंजाब दे विद्यार्थियों का पंजाब दे गरीब लोगों का पंजाब दे दलित विद्यार्थियों का वजीफा खादा कि इहदी जांच आ जिहड़ी CBI करे उस जांच की निगरानी जिहड़ी आ हाई कोर्ट का जज करे क्योंकि 2012-13 तो जदों स्कीम लागू हुई आ उस तो लगातार इस स्कीम दे विच घपले हो रहे नेगे पहला अकाली दल BJP सरकार ने किए उन्होंने 1200 करोड़ का किया इन्होंने वादा किया सी पंजाब दे लोकां नाल पंजाब दे मुख्यमंत्री ने वादा किया सी साधु सिंह धर्मसोत ने वादा किया सी पंजाब दे पवित्र सदन पंजाब दी उस पंचायत जिथे पंजाब दे सारे पंजाब दे चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं उत्थे पंजाब दे मुख्यमंत्री ने वादा किया उत्थे साधु सिंह धर्मसोत ने वादा किया कि मैं 1200 करोड़ रुपए का घपला कढ़ूंगा और जिहड़े 1200 करोड़ के दोषी होणगे उन्हां दे खिलाफ मुकदमे दर्ज होणगे उन्हां नूं जेल च भेजा जाऊगा पर लेकिन अफसोस उस 1200 करोड़ का घपला का की कढ़ना सीगा उहदे नाल दी नाल आ जिहड़ा हैगा 64 करोड़ का घपला नवां आ गया ये जो है 34 करोड़ रुपये 39 करोड़ रुपये सॉरी
39 करोड़ रुपया वो आ जिहदा हिसाब किताब नहीं लगता है, जिहदा पता नहीं लग रहा भी किहड़े खजाने चों कित्थे गया। सो 39 करोड़ रुपया सीधा जिहड़ा है पंजाब दे मुख जिहड़ा मंत्री उहने लुट लिया पंजाब दे लोकां दा। पंजाब सरकार नूं साडी अपील है, क्यों नहीं इहनूं बरखास्त करदी? कैप्टन साहब क्यों नहीं बरखास्त करदा? तां नहीं करदा भाई क्योंकि कैप्टन साहब दे घरे ये लुटिया हुआ माल उहदे घरे पहुँचता। ये दलित विद्यार्थियों के पैसे, ये स्कॉलरशिप पंजाब दे मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह दे घर पहुंची है, तां जिहड़ा है जिहड़ा डिसमिस नहीं कर रहा, तां दे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। सो उस मुहिम के तहत अज असी नवां शहर धरना दिता गया, कल नूं असी जिहड़ा हैगा हुशियारपुर धरना देवेंगे। हर रोज़ साडे सारे विधायक, अज जयकिशन सिंह रोड़ी की ड्यूटी लगी सी, मेरी ड्यूटी लगी सी, साडी समुची टीम खड़ी आ नवां शहर की, सारे ने इत्थे धरना दिता गया। सो आने वाले समय के इस मुहिम नूं जिथे असी डिस्ट्रिक्ट लैवल पर करांगे, उस तो बाद हौली हौली तहसील लैवल पर लैके जाएंगे, फिर ब्लॉक लैवल पर, फिर पिंड लैवल पर, पूरे पंजाब दे विच लामबंदी करांगे। उस तो बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री दा जिहड़ा प्राइवेट हाउस आ सिस्मा हाउस, जिहड़ा उहने पंजाब दे लोकां दा खून चूस के बनाया गया, पंजाब दी जनता दे पैसे नाल बनाया गया, जिहड़ा उहने भ्रिष्टाचार नाल बनाया गया, उहदे अगे उहदा घराओ करांगे। जद तक आ के इस गल दा निबेड़ा नहीं करदा तद तक उह घराओ जारी रहेगा। देखो जेकर केंद्र सरकार ईमानदार आ, क्योंकि केंद्र दे विच अकाली दल बीजेपी दी सरकार आ, उह क्यों नहीं सीबीआई नूं सौंपदे? तां नहीं सौंपदे क्योंकि 1200 करोड़ रुपया उन्हां दी सरकार वेले कपड़ा होया सीगा, वो कपड़ा अकाली दल बीजेपी सरकार समय होया सीगा, तां ही जिहड़ा हैगा उन्होंने समा भी आह 3 साल का चुनिया गया। यह समा जिहड़ा इस जांच दा गा, ये 2012-13 तो होना चाहिए ना कि 2020 तो होना चाहिए गा। जिहड़ी जेकर 2020 तो हो रहा तो इहदा मतलब की आ कि बीजेपी अकाली दल दोषियों को बचा रहा, वो भी जिहड़ा हैगा लुटेरी जमात हैगी। सो साडी मंग आ कि इहदी जांच सीबीआई करे, उस जांच की निगरानी जिहड़ी आ पंजाब एंड हरियाणा ऑनरेबल हाई कोर्ट का जज करे। देखो जो लास्ट पंजाब विधानसभा का बजट पेश होया, उस बजट के जो अंकड़े आए थे वो आए थे 2,48,000 करोड़ रुपया, 2,48,000 करोड़ का कर्जा आया सीगा, और उस समय जो 3% कर्जा ले सकती हुई सरकार, वो कैप खत्म हो गई सी, उस तो बाद असी कर्जा नहीं लै सकते। जेकर उस तो बाद असी कर्जा लेना गा तो सानू सेंटर सरकार दीयां मंगां मननियां पैणगियां, जिहड़ियां 4 मंगां नेगियां। पर लेकिन सब तो इंपोर्टेंट मंग की आ कि जिहड़ी बिजली सैक्टर के जिहड़ी पावर सैक्टर के जिहड़ी मुफ्त बिजली किसानों नूं मिलदी आ, जिहड़ी मुफ्त बिजली दलतां नूं मिलदी आ, व्यापारियों नूं मिलदी आ, इंडस्ट्री नूं मिलदी आ, खत्म होगी। सो सरकार ने उहदे विच मैं तुहानूं समझाया कि 0.5 तक, क्योंकि करोना की महामारी है, ये दौरान थोड़ी रिलैक्सेशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जेडे 0.5 तक कर्जा लैन के स्टेट उन्होंने शर्त नहीं लावे, पर लेकिन जो 0.5 तो बाद लैन के उन्हें शर्त लावे। पंजाब सरकार ने कितना ले लिया? 2%। हुण पंजाब सरकार ने शर्त मान ली, पर लेकिन लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा। पंजाब का वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, पंजाब का मुख्यमंत्री अपना राजा अमरिंदर सिंह शरेआम दिन दहाड़े पंजाब की विधानसभा भी झूठ बोल रहे हैं, लोगों भी झूठ बोल रहे हैं। आने वाले समय तुम देखोगे किस तरह जो किसानों बिल भरने पैणगे, किस तरह दलतों को बिल भरने पैणगे। सो पंजाब से कर्जा बढ़ाया जा रहा और पंजाब के लोगों को सहूलत खोजा जा रही ने, तुम देखोगे किस तरह जो है इलाज महंगा करता, हर रोज़ कोई ना कोई नवा फरमान जारी होंगे। सर कौन शर्तें जी? शर्तं तो यही नेगियां कि पावर सैक्टर के बिजली सैक्टर के दलतों को मिलती बिजली सबसिडी खत्म करनी, 200 यूनिट जो मिलते हैं, जिहड़े किसानों मुफ्त बिजली मिलती है वो खत्म करनी, जिहड़ी इंडस्ट्री को बिजली मिलती है वो खत्म करनी, जिहड़ी व्यापारियों को बिजली मिलती है जिहड़े थोड़े थोड़े 2-2 रुपये 1-1 रुपये सस्तियां ने वो खत्म करनी, ते नाल दे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करनी म्यूनसिपल कमेटियां दे विच। ये 2-3 मेजर जिहड़ियां शर्तां नेगियां, वो जे सरकार मानदी है तां वो कर्जा मिलदा गा। सो सरकार ने, कैप्टन साहब ने, पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के अगे गोडे टेकते, केंद्र सरकार के अगे लम्मा पै गया, शर्त मन रहा है और पंजाब नूं बर्बाद कर रहा। चिन्ह साहब हुण करोना लैके लोगों बहुत दहशत है कि हस्पतालां च ले जाण तों डरदे ने लोग, की मतलब शासी जां की? देखो पंजाब के मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह ने दहशत फैलाई आ, लोगों को कहा गया कि 25 तरीक तक इन्ने लोग मर जाएंगे, 30 तरीक तक इन्ने लोग इनफेक्टेड हो जाएंगे, इन्ने तरीक नूं इन्ने लोग मर जाएंगे, कि राजा थोड़ी आ, ये तो इस तरह लग रहा जिवें जमदूत हुंदा गा, जिवें दस रहा होवे पंजाब के लोगों। पंजाब के लोगों किने डराया गया? राजा अमरिंदर सिंह ने डराया गया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने डराया गया, उन्हां दी स्टेटमेंट जिहड़ी आ उन्हें दहशत पैदा की है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार आ। सो मुख्यमंत्री तुरंत जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच ये ऐलान करे कि असी इन्ने हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये ऐलान करे कि इन्ने बैड तैयार ने, ये ऐलान करे कि इन्ने ऑक्सीमीटर तैयार ने, ऐलान करे कि इन्ने जिहड़े ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार ने, इन्ने ऐलान करे कि पंजाब में इन्ने डॉक्टर का प्रबंध आ, तां जाके लोगों को विश्वास होगा। ये सारा कुछ का जिम्मेवार कौन आ? पंजाब का मुख्यमंत्री जिम्मेवार आ।